hello aspirants this is yash and welcome back to Assistity e point so what we have to do from today's session we have to continue with adjectives as we have been doing adjectives for some sessions and today we have to cover some uh, remaining kinds of adjectives and those are possessive and distributive ones and before this i hope that you have completed and revised all the previous sessions of adjectives because if you did not revise them you won't be able to understand the future ones so start karte hai. एंड टूडे द सेशन विल नॉट बी वेरी लॉन्गर बस हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव करना है एंड उसके बाद वुड बी कम्प्लीट टोटली एंड आगे से हम फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन फ्राम टुमारो सेव टू डीजन आई मीन इन एन एलेबोरेटिव मैनर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज हमें कुछ काइंट्स खत्म करने हैं टि के उसके बाद कंपेरिजन पे आएंगे आई होप mm -hmm. आपको स्क्रीन दिख रही होगी ठीक है छोटे नहीं है आई होप युक ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मी चूज वन थिंग देट इज कलर इस पे जो है वाइट सूट करेगा ठीक है तो अब हम करेंगे पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो वॉटिटिव दर्ड पॉजिटिव हमने पॉजिटिव प्रोनाउन भी किया था तो आई होप आपको पता होगा कि भाई पॉजिटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव जो वर्ड है वो पोजेशन से बना है पोजेशन का मतलब क्या हो गया वैन समथिंग बिलोंग्स टू यू लाइक आपका अधिकार किसी चीज़ पे होता है उसे पोजेशन बोला जाता है लाइक सपोज दिस पेन इज माइन तो हाउ विल आई से इट मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसके ऊपर जो तो पोजेशन है वो मेरा है ठीक है एक पोजेस्ड मूवी भी आई है वो एक हॉरर मूवी है आई होप आपने देखी होगी तो उसका मतलब क्या होता है जो पोजेस्ड हो जाती है वो मतलब अधिकार बना लेती है एक आत्मा दूसरे शरीर में तो उसे पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अधिकार मानने लग जाती है शरीर पे अपना तो ऐसे ही पॉजिटिव जो वर्ड है ना टू समथिंग चाहे वो कोई भी हो कोई भी चीज हो या कुछ भी आ, मतलब मानव के लिए हो कोई ह्यूमन के लिए हो अच्छा बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी मैंने बट अब एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा

राहुल की जगह आपको प्रोनाउन का यूज करना है ऑफ ऑफ द यूसेज वर्ड दैट इज़ नाउन यू हैव हैव टू टू यूज़ यूज़ यू प्रोनाउन बट पोजेशन डगमगाना नहीं चाहिए पोजेशन को चेंज नहीं करना है आपको पोजेशन तो दिखाना है बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन यू हैव टू यूज तो अब मैं कैसे करूंगा राहुल है ठीक है राहुल अब सबसे पहले देखने राहुल क्या मेल है या फीमेल है मेल है तो मेल के लिए जो वर्ड है प्रोनाउन में वो ही होता है लेकिन हमें पोजेशन भी देखना है तो पोजेशन में मतलब ही का जो पोजेसिव वर्ड होगा वो क्या होगा हिज होगा ठीक है तो अगर मैं राहुल के लिए कोई पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करूंगा तो वो हिज होगा ठीक है राहुल मेल uh, अब adjectives क्या होता है कुछ नहीं है अगर इस वर्ड के आगे कोई नाउन लग जाए कोई नाउन लग जाए ठीक है तो अब ये क्या बन गया ये क्या बन गया पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया विच इज शोइंग दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता है जैसा कि आपको पता है जो एडजेक्टिव होता है उसका काम क्या होता है नाउन को मॉडिफाई करना तो जो एडजेक्टिव होता है वो भी नाउन को मॉडिफाई करता है इट शोज द ऑफ ऑफ दैट नाउन ठीक है तो अगर सपोज करो माए लिखता हूँ माए छोड़ो गिव मी मोमेंट ठीक है अगर मैं लिखता हूँ आई ठीक है अब बहुत शुरू से बेसिक्स से शुरुआत करता हूँ मैं बताने की आई होप आपको आपका पूरा ध्यान यहाँ होगा

मैं आई हूँ मुझे बोल रहा है माई पेन ठीक है तो माई भी बोल सकते हो माइन का भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस तो अभी स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे बस ये ध्यान रखो कि अगर मैं माई बोल रहा हूँ और माइन बोल रहा हूँ तुम्हें पता है कि माइन को मैं अकेले लिख सकता हूँ ठीक है मैं पेन की बात कर रहा करूँ दिस इज माइन अभी जो माइन है ये क्या है प्रोनाउन है कौन सा प्रनाउन पोजेसिव प्रोनाउन लेकिन मैं इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ दिस इज

ये सारे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है ये एग्जाम्पल सारेगा it तो तो देर हो जाएगा तो ये क्या है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है सपोज करो अगर इसका मुझे पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना होता तो क्या बनता अवर का अवर्स हो जाता और अवर्स अकेले काम आता अवर इसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगता लेकिन आवर के बाद नाउन लगाना जरूरी है सपोज करो अगर मैं बोलता हूं कि हमारी क्लास है तो मैं क्या बोलूंगा ठीक है, क्लास। अब इस केस में ये क्या? बोलता हूँ हमारी क्लास और अगर मेरे को पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो मैं अवर बोल के छोड़ दूंगा आगे क्लास नहीं लिखूंगा ठीक है तो ये मैंने बता दिया है बेसिक बेसिक्स आई होप समझ में आ गया होगा और जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं देखो माई फादर इज गोइंग टू लिव सॉरी

तो यहां पे बनेगा बनेगा। और अब ये वाला देख ले तो हिज मेमरी इज लॉस्ट अब इस केस में मेमरी की बात करें किसके उसकी मेमरी की तो हिज एक पॉजिटिव वर्ड है अगर उसके बाद नाउन आ गया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हिज मेमरी इज लॉस्ट कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है ज्यादा कठिन नहीं है बहुत आसान है सिंपल है और डिफरेंसेस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं बस एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई एडजेक्टिव प्रोजेटिव प्रोनाउन के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंस दिफ्र, होता है स्ट्रक्चर डिफरेंस उसके बेस में क्वेश्चन आ जाएंगे बाकी सब सही है ठीक है बाकी उन दोनों का ही दिन दोनों का यही काम है सेम काम है पोजिशन शो करना अब आगे बढ़ेंगे देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव खत्म हो गया है उतना ही था ठीक है और ये मैंने ये ये क्या कर रखा है ये कुछ नहीं है ठीक है नंबरिंग डाल रखी गलती से नंबरिंग आ गई है नंबरिंग नहीं डालता मैं ठीक है, है, हो गया अब है, क्या Demonstrative अच्छा भी था? हाँ, भी है, है ये बहुत छोटे-छोटे हैं और आपको easily समझ में आ if you have taken my class. में आ जाएंगे, ठीक यही सारे वर्ड्स बट स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, में when we use, uh, their kinds. क्या difference होता है, Adjective के नाउन आता है और प्रोनाउन अकेला काम करता है बस ये डिफरेंस है अब देखो

Differences and हिंदी मीनिंग्स ऑफ दीज words. ठीक है तो दिस का मतलब क्या होता है दिस होता है किसी पास की पास की वस्तु के लिए पर्सन के लिए और इसकी हिंदी होती यह है यह दैट यूज होता है कोई दूर की वस्तु के लिए सिंगुलर होना चाहिए ये दोनों क्या singular use है सिंगुलर यूज होते हैं सिंगुलरली मतलब इन ये जितने भी ये दिस और दैट होते हैं ये उन नाउंस के लिए यूज होंगे जो सिंगुलर होंगे दिस पास के लिए यह दैट दूर के लिए वह है. दोनों सिंगुलर डोज और दीज

What? मतलब बचा नहीं जा सकता ठीक है तो अब यहाँ पे दिस है, दिस के बाद क्या आ इस तरह की ध्यान रखना है और मैंने एग्जाम्पल तो नहीं लिया है बट आपको होगा तो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ तो इस तरीके से होता है और ऑफ के बाद जो होता है फ्लूरल नाउन होता है और उसके बाद क्या कहता है दो सॉर्ट ऑफ पीपल आर Precious society, कि इन तरह के लोग इन तरह के लोग हमारे के लिए, तो तो लिए कि कि किसी ने पर्स चुराया वॉलेट चुराया वो दूर खड़ा हो गया है अब मैं दैट बोलूंगा ठीक है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ दूर है तो दैट का यूज करूंगा की ठीक है वो थोड़ा दूर है चोर है तो पास में तो हो गए करके देखो तो दूर है तो दैट यूज करूंगा और वो एक इंसान है तो दैट मैन मस्ट हैव स्टोलन आवर वॉलेट कि भाई उसी आदमी ने हमारा जरूर हमारा वॉलेट चुराया होगा दीज मेन आर ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस इसका मतलब क्या हो गया ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है ठीक है तो दीज तो मैन का हो गया मेन और बस सब सही है ठीक है और, और 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 कुछ गलती अच्छा मेरे को यहाँ पे गलती लग रही है पता नहीं कैसे हो गई यहाँ इज की जगह आर आएगा ठीक है इज आएगा क्यों क्योंकि ये जो इज होगा ये जो वर्ब होगी ये दिस काइंड के फ्रेज के लिए होगी जो कि सिंगुलर फॉर्म में है ठीक है तो वहाँ पे आर की जगह इज लगा लेना दिस काइंड बाकी सब सही है आगे बढ़ते हैं देखो अब है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सॉरी डेमोस्ट्रेटिव भी कंप्लीट हो गया है और ये सिमिलर है किसके तरह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह तो अब करेंगे हम रहेंगे करने जरूरी है एंड उसके बाद एक MCQ, MCQ का सेशन रहेगा, तो अब देखते हैं Distributive Distributive वर्ड से बना है? है. मतलब जो बहुत चीजें

ठीक है सेपरेटली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेपरेटली तो उस केस में आप क्या करोगे उस केस में आप uh, से यूज करोगे एक सेकंड देना मुझे थोड़ा एक सेकंड ये ये ऑरेंज पे करेगा ठीक है है तो मतलब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपको क्या करना हो सेलेक्ट करना हो सेपरेटली ठीक है किसी भी पर्सन को या थिंग को फ्रॉम अ ग्रुप इधर वन एट अ टाइम या या तो कोई एक बार में एक मतलब सॉरी uh, सेलेक्ट करो या सेवरल यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जो ग्रुप है उसमें से आपको एक चूज करना है ठीक है सभी में से एक टाइम पे एक कर लो या एक से ज़्यादा भी कर सकते हो ठीक है इन सेपरेट लॉर्ड्स इसका मतलब क्या कि है कि सेपरेटली आप करना करना है आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्टिव यूज़ कहते हैं ठीक है अब ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना आपने देख रखे हैं ठीक है और ये मैंने कराए हुए हैं कहाँ पे प्रोनाउंस वाले केस में क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन भी होता है ठीक है तो यू विल गेट दीज वर्ड्स अब देखो पहला क्या है ईच बुक कॉस्ट शिलिंग इसका मतलब क्या हो गया यू विल बी टेलिंग मी इन द दॉमेंट बॉक्स बिकॉज इट इज इट इज एन ठीक है इफ यू आर वॉचिंग ऑफ दिस दिसम ठीक है तो अब यहाँ पे मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ईच आया ईच के बाद बुक आया मतलब बहुत सारी बुक्स है उसमें से एक उठाइए या प्रत्येक उठाइए ठीक है ठीके? तो ईच का मतलब क्या होता है ईच का मतलब होता है एक एक प्रत्येक ठीक है एक एक प्रत्येक यानी कि बहुत सारी बुक्स है आपको क्या बोलना है सबको पॉइंट आउट करना है एक एक बुक को पॉइंट आउट करना है तो एक एक के लिए क्या वर्ड है ईच है और ईच के बाद क्या आएगा बुक आएगा क्योंकि ईच के बाद जो भी वर्ड आता है वो सिंगुलर होता है ठीक है तो ये हो गया है इसका मतलब बताना है आपको एडीएम ये एक तरह का ए है इसका मतलब बताना है कॉमेंट बॉक्स में बहुत पॉपुलर है एंड इट इज यूज वेरी मच एवरी वन और एवरी ठीक है इज लिबेरियस इन इन अवर कंपनी गिवी मोमेंट I was about to sneeze but I didn't want to sneeze that is why I closed my nose with my finger. Yeah. So in the I, uh, I am suffering from what? cough, a little cough. So I know that I can sneeze anytime during the session but I have to control it because I do not want to uh, spoil my lecture. ठीक okay? है? So everyone or everybody is laborious in our company. ये कह रहा है कि भाई हमारी कंपनी में हर एक everyone or everybody दोनों का मतलब क्या होता है हर एक क्या है laborious laborious का मतलब मेहनती हैं अब इस केस में इसका यूज क्यों हुआ मैं बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ है, है, बढ़ते हैं ये भी हो गया इधर का यूज क्यों होता है दोनों में से जब एक चूज करना हो करनाधर स्टैंडिंग कैंडिडेट ठीक है अब यहाँ पे ईधर का यूज करा कराएर के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा सिंगुलर फॉर्म में जो भी बर्फ आएगी सिंगुलर फॉर्म में इज गोइंग टू विन द इलेक्शन इसका मतलब क्या हो गया कि कि भाई यूज हुआ है 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 तो सिंपल सी बात है, पता लग रहा कैंडिडेट कितने हैं हैं स्टैंडिंग कैंडिडेट दो दोनों में से एक को चूज करना इसलिए है इसलिए का यूज हुआ दोनों में से कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतने जा रहा है उसके बाद एवरी एवरी का मतलब आपको पता ही होगा है ना एवरी अच्छा ये कोई ये एक तरह का रूल है अच्छा ये क्या कर दिया इन्होंने अच्छा ये एक तरह का रूल है जब भी मैं कहूँ एवरी अकेला कैसे लिखा हुआ है एवरी कभी भी अकेला यूज नहीं होता है जैसे ईच क्या होता है अकेला यूज़ हो सकता है ठीक है ठीक है ऑल अकेला यूज हो सकता है ईदर अकेला, अकेला यूज हो सकता है मतलब विदाउट अ नाउ बट एवरी एवरी कभी भी अकेला यूज़ नहीं कर सकते आप ठीक है सपोज करो मुझे बोलना है कि भाई यहाँ पे सभी स्टूडेंट क्या है होनहार है ठीक है तो मैं कैसे बोलूँगा कि भाई एवरी स्टूडेंट बोलूँगा है ना या एवरी बोल सकता हूँ एवरी स्टूडेंट बोलूँगा क्यों बोलूँगा क्योंकि एवरी नहीं बोल सकता हूँ एवरी अकेला ही नहीं सकता एवरी के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन सॉरी नाउ प्रोनाउन तो ना यूज़ नहीं होगा लेकिन नाउन यूज़ होना बहुत मैंडटोरी है ठीक है या तो एवरी के बाद वन लगा दो या एवरी के बाद बॉडी लगा दो बॉडी जैसे हम बोलते हैं या कोई ये नाउन लगा दो जैसे एवरी स्टूडेंट यूज़ कर सकता हूँ इस केस में कि सभी स्टूडेंट होनहार हैं ठीक है तो एवरी कभी अकेला यूज़ नहीं होगा तो ये क्या बोल रहा है ये यही बोल रहा है कि एवरी के साथ हमेशा नाउन होना अटैच होना जरूरी है ये कोई सेंटेंस नहीं है ये एक तरह का रूल है है आई विल करेक्टेड ठीक तो इसको सही कराना मुझे ठीक है तो गलती मत करना तो ये क्या कोई सेंटेंस नहीं है एक तरह का इंस्ट्रक्शन है तो अब एवरी का देखो यहाँ पे यहाँ पे एवरी के साथ वन है एवरी के साथ थिंग है यानी कि एवरी के साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी है एवरी वन ऑफ दो हिज हर लाइफ स्मोकिंग ये क्या कह रहा है कि भाई दोज गायज हैं ठीक है यहाँ पे क्या पॉइंट आउट किया जा रहा है कि बहुत सारे गायज हैं ठीक है ठीके? लोग हैं लड़के हैं लड़कियाँ हैं कोई भी हो सकता है कि भाई उनमें से जितने भी सभी हर एक हर एक ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी स्मोकिंग करते हैं ठीक है स्मोकिंग करने से उनकी ज़िंदगी खराब हो गई स्मोकिंग करते करते उन्होंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है ठीक है और एवरी वन के, के साथ आपको ध्यान रखना है एवरी बड़ी के साथ आपको ध्यान रखना है हिज भी आ जाता है हर भी आ सकता है लेकिन देर कभी नहीं आएगा देयर नहीं आएगा या तो हैज या हर यानी कि हर एक उन बच्चों ने उन गाइज ने क्या करा अपनी जिंदगी खराब कर ली स्मोकिंग में लास्ट सेंटेंस है एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर अस इन द यूनिवर्स वैन अवर डिज़ायर स्ट्रॉन्ग एंड इतना पॉपुलर स्टेटमेंट है कि भाई इस यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है ठीक है जब भी हम डिज़ायर करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए हमारी तो सब कुछ अवेलेबल है यूनिवर्स गिव्स यू ईच एंड एवरी तो अब इस केस में आप देखो क्या कह रहा है एवरी एवरीथिंग इस तरीके से आप यूज करोगे हर चीज ठीक है एवरी के साथ जो भी वर्ड लगाओगे उस तरीके से एवरी अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा तो एवरीथिंग इज तो दो बातें ध्यान रखनी है इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में कि भाई इनके बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा जो भी वो आएगी वो भी सिंगुलर होगी ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं आई थिंक खत्म हो गया है नहीं अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज इसका मतलब क्या हो गया कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स रखते हैं ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी भी एक तरह का फ्रेज होता है और इसका मतलब सब कुछ मिला के हिंदी पता होगी आपको ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी का भी वही कंसेप्ट है जो ईच का और एवरी का है यानी कि यह मत सोचना की अगर ईच और एवरी में एंड लगा हुआ बीच में ठीक है ईच और एवरी के बीच में एंड लगा हुआ है तो नाउन प्लूरल हो जाएगा नहीं नाउन सिंगुलर ही रहेगा ठीक है उसके बाद ये मत सोचना की वह प्लूरल हो जाएगी वह भी सिंगुलर ही रहेगी ठीक है तो ये बातें आपको दो बातें ध्यान रखेंगे ईच एंड एवरी दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लुरल हो जाएगी नहीं वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी तब भी तब भी सिंगुलर रहेगी ईच एंड एवरी अकेला होगा यानी कि अलग होगा एवरी अकेला होगा तब भी वर्ब सिंगुलर ईच एंड एवरी दोनों साथ में आ जाएंगे तब भी वर्ब सिंगुलर और एवरी एवरी के साथ भी ऐसे ही है एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज एक बच्चा और हर एक अध्यापक को प्रशंसा मिली थी किसके द्वारा चीफ गेस्ट के द्वारा ठीक है और इसके अलावा मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ शायद स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं हाँ स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं एक दो बातें और याद आ रही है मेरे को क्या याद आ रही है देखो मैंने तुमको बताया कि भाई के बाद हमेशा सिंगुलर पाएगी। सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर है ना एक सेकंड आएगी लेकिन और एवरी के साथ भी और सारे केसेस में तुमने देखा है कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं लेकिन एक केस ऐसा है उससे पहले अगर तुम प्रोनाउन लगाते हो ईच में ईच की बात कर रहा हूँ। ईच ईच ही एक ऐसा अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जिस केस में एक स्ट्रक्चर में वर्ब प्लूरल हो सकती है वैसे तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे अगर मैं बोलता हूँ, वी ईच हैज या हैव डन आवर टास्क मैंने एक सेंटेंस बनाया कि भाई वी ईच हैज या हैव डन आवर टास्क अब मेरे को बताओ यहाँ पे हैज आना चाहिए हैव आना चाहिए यहाँ पे ना एक्चुअली में अब तुमने पता क्या होगा कि भाई अगर तुमने कभी स्ट्रक्चर नहीं देखा तो मैं एक रूल का पता होगा कि भाई ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा है जब ईच के केस में प्लूरल वर्ब आएगी सिंगुलर नहीं आएगी वाई बिकॉज ईच से पहले प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है तो बी की जगह अगर दे भी होगा तब भी यही रहेगा ठीक है तो ईच से पहले दो प्रोनाउन ध्यान रखना वी और दे अगर आ जाते हैं तो इसके बाद Each के each के बाद, बाद जो जो आएगी, ठीक है? तो 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 अगर पे पे होगा, हो जाएगा, Their task. So, ये जो, uh, structure था, मेरी slide नहीं था बट आई गॉट इट रिमेम्बर्ड है ना तो so, इसलिए मेरे को ऐड करना पड़ा इंस्टेंटली बताना पड़ा ताकि कुछ मिस ना हो तो so, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है एंड आई एग्जामिनेशन ऑफ़ एस एस सी तो ईच वाला ये अलग से रूल ध्यान रखना शायद पढ़ने को नहीं मिलता ये वाला रूल बिकॉज ईच हमेशा यही दिमाग में रहता है कि ईच के बाद सिंगुलर सिंगुलर होगा सब कुछ लेकिन ईच का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा वर्क प्लूरल भी होती है तो बस ये अलग से ध्यान रखना है और एवरीथिंग इज ईजी पीजी फॉर यू ठीक है एंड विद दिसंडन है ना एंड दिसंक यू फॉर यू फॉर टेकिंग टू डेज से ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहा बिकॉज को कंप्लीट करना था ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके बाद अपना हो गया है तो में जितना भी इंपॉर्टेंट है करते जा रहे हैं एंड रिमेनिंग क्या बच रहा है अपना डिग्रीजन ऑफ डिग्री कुछ स्टेटमेंट्स बनते हैं ठीक है तो वो हम करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट टिलेक्ट एंड वो कैब टाइम पर निकलती नहीं है ना वो कैब आई मीन